हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से नंबर है जो टर्मिनेट हो जाती हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है कट जाना, कोई नंबर कट जाती है तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कट, जो नंबर कटती नहीं है, जो आपकी नंबर कंटिन्यू में चलती जाती है, रिपीटेशन में चलती जाती है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और जो नंबर कट जाती है उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 4/5, इसका जो आंसर आएगा 0.8 आएगा, जो कि टर्मिनेटिंग है। और जैसे मैं बात करूं 1/3, तो इसका आंसर आएगा 0.3333, ऐसे चलती जाएगी। तो ये नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ऐसा क्या गया जिससे डायरेक्ट पता चल जाए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? तो सबसे आसान तरीका ये, जैसे कोई भी नंबर है और मैंने यहाँ 32 दे दिया और मुझे चेक करना है नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले मुझे 32 के फैक्टर करने हैं। जैसे ही 32 के फैक्टर करोगे, फैक्टर आ गया 2 फैक्टर आ रहा है। देखो, जब भी डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, तो आपके नंबर टर्मिनेटिंग होती है। अगर इससे अलग कोई फैक्टर होगा तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, या तो 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। इनसे अलग कोई फैक्टर होगा तो वो नंबर जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।